सत श्री अकाल एंड वेलकम टू द वीडियो सेशन ऑफ mahindraguru.com वेयर इन टुडे वी आर हियर विद द स्पेशल क्लास ऑफ एमएस ऑफिस एक्सक्लूसिवली फॉर आईबीपीएस क्लर्क मेंस। आईबीपीएस क्लर्क मेंस को ध्यान में रखते हुए भाई क्लर्क का पेपर है, एमएस ऑफिस बताना तो बनता है। अब जब एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो एमएस ऑफिस इज नॉट एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर। क्या होता है एमएस ऑफिस ये सब हम जानेंगे, मगर उससे पहले द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएस ऑफिस ये जान लेते हैं। एमएस ऑफिस क्यों पढ़े सर, क्लर्क का है सर, इजी है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, देन व्हाई शुड वी स्टडी द एमएस ऑफिस। अब एमएस ऑफिस इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ क्लेरिकल एग्जामिनेशन। इफ वी कंसीडर द क्लेरिकल एग्जामिनेशन, एमएस ऑफिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई सो, बिकॉज अ क्लर्क और अ पर्सन हु इज एक्चुअली अ क्लर्क वर्क्स ऑन दीज पैकेजेस। अब देखो भाई, एक क्लर्क मे वर्क और माइट वर्क रादर on a document, might work on a spreadsheet, or he might design a presentation too. So in that case, for working on these many things, you should know or you should have a basic knowledge of MS Office. MS Office is क्यों? Because MS Office is termed to be as the most user-friendly software available if we consider the spreadsheet, the word processor, or the digital presentation software. Now, beginning up with MS Office, let's learn what actually MS Office is. If you think that MS Office is a general software, let me tell you, my friends, MS Office is not a software. MS Office is a package of software, or we can say MS Office is an application suite. Why an application suite? Because MS Office comprises of lot many application programs that are assigned with an individual task to perform. For example, we have MS Word. Now, what is MS Word used for? MS Word is specifically used for documentation, or we can say that MS Word is actually a word processor. What is MS Excel used for? MS Excel is actually a spreadsheet software. What is MS PowerPoint used for? MS PowerPoint is actually a digital presentation software. We can design digital presentations using MS PowerPoint. What is MS Access used for? MS Access can be termed as a moderate level database. You can say a moderate level database. Now, these many things are there in MS Office. Apart from these four programs, which I told you, we have MS Outlook, we have MS Publisher as well, and lot many things in this package actually. Okay, so let's begin up and let's check what all software programs are there in the MS Office package. We have the Access, as I told you, we have Excel as well, we have Group, we have InfoPath, we have OneNote, we have Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, and Tool. These many things or these many softwares rather are present in the MS Office package. इतनी बात क्लियर हो गई भाई, MS Office कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। अब हिंदी में समझ लो, MS Office कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। दूसरी बात, MS Office एक पैकेज है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं और इन सॉफ्टवेयर्स को कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म के लिए करने के लिए बनाया जाता है। जैसे वर्ड की बात करें तो वो एक वर्ड प्रोसेसर है, एक्सेल की बात करें तो वो एक स्प्रेडशीट है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है, एक मिसकंसेप्शन है हम लोगों को देखने को मिलता है कि भाई एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। नहीं, आज से ये मिसकंसेप्शन दूर कर लो। ठीक वैसे ही जैसे लोग कहते हैं कि सर द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज सो एंड सो, लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। इस बात को समझ लो। एमएस वर्ड, और देखते हैं एमएस वर्ड के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ हिस्ट्री ऑफ एमएस वर्ड देख लेते हैं। हालांकि हिस्ट्री कभी पूछी नहीं जाती एमएस वर्ड की, बट इफ यू आर लर्निंग एमएस वर्ड यू शुड नो द माइनर हिस्ट्री ऑफ द। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एक्चुअली अ वर्ड प्रोसेसर। देखो यहां पर एक बात जो देखने वाली है बहुत जरूरी है, और इसमें क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल है। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक स्टेटमेंट आ रही है, और स्टेटमेंट कह रही है कि एमएस वर्ड इज एक्चुअली अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। अब ये भी समझ लो, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते क्या है, दी सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर डिजाइंड टू प्ले, मैं प्ले इसलिए बोल रहा था कि आपको आसानी समझ में आ जाए, टू प्ले विद वर्ड्स, टू प्ले विद कैरेक्टर्स, टू प्ले विद लेटर्स, या वो सॉफ्टवेयर जिसको डिजाइन किया जाता है कुछ लिखने के लिए इन ई फॉर्मैट, सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन टू राइट इन ई फॉर्मैट, वो होते हैं आपके वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। वर्डपैड हो गया, नोटपैड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज ऑल फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। किसने बनाया था इसको, ज़ेनिथ सिस्टम ने बनाया था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले या इनिशियल फेज में इसका नाम क्या था, इसका नाम था मल्टी टूल वर्ड। इनिशियली द एमएस ऑफिस वॉज नेम्ड एज मल्टी टूल वर्ड, विच वॉज डिजाइंड बाय द
Xenix system. Rather, we can say for the Xenix system. Okay, we can also create a letter. We can also create a letter and any type of document with many types of formatting. Formatting मतलब यहाँ पर हो गया भाई, font change कर सकते हैं हम लोग, जो font style है वो change कर सकते हैं, bold, italics, underline वगैरह वगैरह वगैरह. These many things can be done in MS Word, and not only these many things, lot many things can be done in MS Word. इस बात को ध्यान रखिएगा. Okay, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं क्या है. देखो अब यहाँ पर ये वो चीजें हैं जो क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना रखती है. समझ लो एक्सटेंशन क्या होते हैं. एक्सटेंशन सबसे पहले ये जान लेते हैं एक्सटेंशन होते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इसका एक्सटेंशन है क्या. देखो भाई, इफ आई से एक्स वाई जेड और उसके बाद डॉट डी ओ सी, एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं. पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. If we take an example saying x y z dot d o c, उस केस में what is the extension of this file? The extension of this file is dot d o c, or we can say x y z is a file which can run on any software that is capable of accessing a document file. In this case, probably a Microsoft वर्ड. तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब मैं बात करता हूं डॉट डीओसी की, तो वहां पर वो एक एक्सटेंशन होता है. अब डीओसी ये एक्सटेंशन क्या होता है उसको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, तो एक बात बता देता हूं, वो होता है आपका एक सरनेम की तरह. जिस प्रकार से सरनेम हमें यह बताता है कि भाई किस कास्ट या किस रिलीजन या किस क्रीड को हम बिलोंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक एक्सटेंशन हमें यह बताता है कि भाई किस प्रोग्राम को या किस एप्लीकेशन को एक फाइल बिलोंग करती है. अगर यहां पर एक्स वाई जेड हटा दे और लिख दे, यहां पर एक्स वाई जेड की जगह थोड़ी देर के लिए एक्स वाई जेड हटा देते हैं और लिख देते हैं ए बी सी डॉट जे पी ई जी. अब यहां पर जे पी ई जी हमें बता रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फाइल इज ए बी सी, वो एक इमेज फाइल है. हेंस वी कैन से दैट एक्सटेंशन आर वेरी लाइकली द सेम एज द सरनेम ऑफ एन इंडिविजुअल. अब इस बात को समझ लो, आगे बढ़े. तो यहां पर कुछ एक्सटेंशन देख लेते हैं जो हमारे सामने हैं, बहुत पूछे जाते हैं. लिखा हुआ है 2003, 2007, 2010 एंड 2013. नाउ एक बात समझने वाली है, जब एमएस ऑफिस को पढ़ रहे हो तो इसमें एक्सटेंशन जो होते हैं दे एक्चुअली वेरी वर्जन बाय वर्जन. 2003 इज अ वर्जन, 2007 इज अ वर्जन, 2010 इज अ वर्जन, 2013 इज अ वर्जन एंड द लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल इज 2016. तो इस बात को ध्यान रखो कि ये जो आपके एक्सटेंशन होते हैं ये वैरी करते हैं. इसको याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं. देखो यहां पर जब बात करते हैं उन वर्जन्स की जो 2013 से पहले थे, दी वर्जन्स बिफोर 2003, द एक्सटेंशन वॉज अ सिंपल वन डॉट डी ओ सी, एंड दी वर्जन लेटर फ्रॉम 2003 the extension changed and an x was added to the extension, to the existing extension rather. देखो यहां पर 2003 तक अगर देखें तो 2003 तक आपके जो extension है वो dot doc है. जैसे ही 2003 के ऊपर आते हैं extension हो जाता है आपका docx, docx, docx and same goes for 2016. तो इस बात को ध्यान रखना भाई, एक x ऐड हो जाता है एग्जिस्टिंग एक्सटेंशन पे. x का मतलब यहां पर एक्सटेंसिबल होता है. आगे बढ़ते हैं, हाउ टू ओपन एमएस वर्ड. देखो हालांकि ये कभी पूछा नहीं जाएगा, मगर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं कि एमएस वर्ड को एग्जीक्यूट करने के वी हैव लॉट मेनी वेज. कुछ ऐसे तरीके जो बहुत ही कॉमन है वो आपके सामने है. देखो क्या करते हैं, विंडो के साथ आर दबाते हैं, विंडो की के साथ आर दबाते हैं, रादर लिखते हैं विन वर्ड एंड ओके. जैसे ही आप विन वर्ड लिखकर ओके प्रेस करते हैं, दी एमएस वर्ड एग्जीक्यूट्स. ये एक तरीका है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं. इसके बाद वो तरीका जो हम सब लोग यूज करते हैं, करते आए हैं, वो है आपके सामने, स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस और फिर एमएस वर्ड. बहुत ही आसान तरीका, और मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने की आपको कभी जरूरत पड़ेगी. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये वो विंडो नॉमिनक्लेचर है जो आपके सामने आ रहा है. ऑफिस बटन, टाइटल बार,
क्विक एक्सेस बार, ये वो चीजें हैं जो पूछी जा चुकी हैं और हो सकता है पूछी भी जाए। रिबन अभी तक नहीं पूछा गया है, टैब बटन्स नहीं पूछे गए हैं, कंट्रोल बटन सॉरी रूलर आ चुका है, स्क्रॉल आ चुका है एंड एक आता है स्टेटस बार। बहुत जरूरी है इन सब के बारे में जानना। अगर ऑफिस बटन की बात करें तो दिस इज एक्चुअली अ बटन इन द एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप ऑफ द विंडो, लेफ्ट टॉप ऑफ द विंडो वी हैव अ बटन व्हिच इज नोन एज द ऑफिस बटन। क्लिक करने पे वी हैव लॉट मेनी ऑप्शंस इन दिस बटन। टाइटल बार वो बार होती है व्हिच होल्ड्स द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ध्यान रखना जो इसका नाम है, जो टाइटल बार का नाम है, टाइटल वो खुद ब खुद बता रहा है कि भाई वो टाइटल होल्ड करता होगा। अब किसका टाइटल होल्ड करता होगा, बड़ा वैसी बात है भाई, उस डॉक्यूमेंट का टाइटल होल्ड करता होगा। ओके आगे बढ़े, स्टेटस बार बहुत जरूरी है, बताता है हमें किस पेज पर है, कितने वर्ड्स हो चुके हैं, किस लाइन पर है, वगैरह वगैरह वगैरह। स्टेटस बार जरूरी है। रूलर हम जानते हैं, रूलर को हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी हैव हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वी हैव द वर्टिकल रूलर्स अवेलेबल। ओके इसके बाद बात करें स्क्रॉल बार भी आपके हॉरिजॉन्टल आते हैं एंड वर्टिकल आते हैं, उसके भी डिस्कस करना यहां नहीं बनता क्योंकि बेसिक सी बातें हैं ये। ओके इसके बाद जो एक चीज बचती है वो है आपकी क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार इज लोकेटेड जस्ट नेक्स्ट टू दी ऑफिस बटन। वहीं अगर लेफ्ट टॉप की बात करें तो वहां पर आपको क्विक एक्सेस बार देखने को मिलता है, जहां पर आपको सेव वगैरह करने का ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जो चीज मैंने आज आपको बताई है प्लीज उसको जरूर देख लेना, ये वो चीजें हैं जो पिछले एक दो साल में पूछी जा चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके देखो अब यहां पर कुछ शॉर्टकट्स आ रहे हैं एंड शॉर्टकट्स आर वेरी कॉमन वन। न्यू का शॉर्टकट क्या होता है हमें बताने की जरूरत नहीं सर, कंट्रोल के साथ एन होता है। और यह भी बता दें कि सर अभी ये नहीं पूछा जाएगा, न्यू का शॉर्टकट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कंट्रोल के साथ एन होता है, बताने की जरूरत नहीं है। ओके आगे बढ़े तो यहां पर आता है ओपन का, अब ये भी एक कॉमन शॉर्टकट है, ये भी नहीं पूछा जाएगा, मगर फिर भी आप जान लें कि कंट्रोल के साथ ओ होता है ओपन का। तो सर पूछा क्या जाएगा जब न्यू भी नहीं पूछा जा रहा, ओपन भी नहीं पूछा जा रहा, तो चलो मुझे बता दो सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट क्या होता है। लेट्स हैव द आंसर, सोचो अगर मुझे सेंटर अलाइन करना है तो शॉर्टकट क्या होगा। पहले कुछ क्लूज मैं दे देता हूं, लेफ्ट अलाइन करना है शॉर्टकट इस कंट्रोल के साथ एल, राइट अलाइन करना है शॉर्टकट इस कंट्रोल के साथ आर, जस्टिफाई करना तो कंट्रोल के साथ जे चल जाएगा, कंट्रोल के साथ सी करने से क्या सेंटर लाइन होगा, सोचो सोच के देखो। कंट्रोल के साथ सी करने से भाई जब लेफ्ट जा रहे हैं तो एल हो रहा है, आर जा रहे हैं तो राइट हो रहा है, जस्टिफाई कर रहे हैं देन द शॉर्टकट इस कंट्रोल के साथ जे, तो भाई सिंपल सी बात है कंट्रोल के साथ सी अगर करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप चल रहे हैं तो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, कंट्रोल के साथ सी इज शॉर्टकट फॉर कॉपी, कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ सी। अब मुझे बताओ कि भाई सेंटर लाइन करने की शॉर्टकट क्या है, सेंटर लाइन करने की शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ ई। तो इस बात को ध्यान रखना, शॉर्टकट्स जब पूछे जाते हैं तो उस समय क्लिक नहीं करते हैं माइंड में, और वैसे देख के लगता है यार ये तो सिंपल वाला था, सिंपल जरूर है। चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात करेंगे सेव। सर कंट्रोल के साथ एस होता है सेव, तो अब ये भी क्यों बताया जा रहा है। टेल मी माई फ्रेंड्स वॉट इज द शॉर्टकट फॉर सेव एज, सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है। सेव नहीं पूछा जाएगा, ओपन नहीं पूछा जाएगा, न्यू नहीं पूछा जाएगा, चलो ये तो मैं बता देता हूं आपको वॉट इज द शॉर्टकट फॉर सेव एज। सेव एज का शॉर्टकट मुझे बताइए, चलो देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू नो द शॉर्टकट फॉर सेव एज। चलो तब तक सोचो, एक क्वेश्चन और यहां पर आ गया और क्वेश्चन ये है कि सो व्हेनेवर यू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द डॉक्यूमेंट इज सेव और इज इट सेव्ड एज, क्या वो डॉक्यूमेंट सेव होता है या वो सेव एज होता है। बताओ व्हेनेवर यू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड और इज इट सेव्ड एज, बताओ मुझे। जब भी आप पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो शॉर्ट जो एक्चुअल में वो सेव हो रहा होता है क्या वो सिंपल सेव होता है या फिर वो सेव एज होता है। तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए और इसका आंसर तभी आप बता पाएंगे जब आपको इसकी टेक्निकलिटी समझ में आती होगी। फिलहाल सेव एज का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ क्या एस, वो होता है सेव का। F12 इज द शॉर्टकट फॉर सेव एज, या फंक्शन की 12 इज द शॉर्टकट फॉर सेव एज। नाउ लेट्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन व्हाट Save and save as. There is a big difference between save and save as. And what is the difference? Let's check it out. जब मैं बात करता हूँ save की, तो मैं क्या कर रहा होता हूँ? एक file को overwrite कर रहा होता हूँ. Whenever I say that I am saving a document, it means that I am actually overwriting an existing document. But when I say that I am going to save as a document, so it means that I am going to change the name or the file format of the document
और आई एम गोइंग टू सेव द डॉक्यूमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इस बात को समझो, जब मैं बात करता हूं सेव एज की, चलो चेंज कर लेते हैं. ओके, जब मैं करता हूं सेव तो मैं ओवरराइट कर रहा होता हूं, इस बात को समझ लो. और जब मैं कर रहा होता हूं सेव एज, तो जैसे ही मैं सेव एज करता हूं वैसे ही एक विंडो खुल जाती है एंड द विंडो आस्क मी टू एंटर द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और टू एडिट द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और यू कैन सिंपली सेव इट एज. ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एडिट करो ही करो. ठीक है, तो इस बात को समझ लो, जब भी हम पहली बार डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वो सेव नहीं होता, वो एक्चुअली सेव एज होता है. एंड द शॉर्टकट फॉर सेव एज इज फंक्शन की 12. आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ेंगे. देखो यहां पर सेव एज की विंडो है, एक बार देख लेते हैं. यहां पर ये हमसे पूछ रहा है कि आप नाम दे सकते हैं और यू कैन एडिट द नेम, यू कैन इवन एडिट द फाइल एक्सटेंशन. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखने मिलती हैं सेव एज में. आगे बढ़ते हैं जल्दी से. कंट्रोल के साथ पी इज द शॉर्टकट फॉर प्रिंट. सर आसान था, मुझे बता दो प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट क्या होता है. ये डिफिकल्ट हो गया सर. देखो यही चीजें आएंगी, प्रिंट का शॉर्टकट, न्यू के शॉर्टकट, ओपन के शॉर्टकट नहीं पूछा जाएगा. पूछा जाएगा व्हाट इज शॉर्टकट फॉर प्रिंट प्रीव्यू. तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट आपको तभी मालूम होगा जब आपने कभी ना कभी इस पे काम किया होगा. लेट्स चेक द शॉर्टकट फॉर प्रिंट प्रीव्यू. एंड शॉर्टकट फॉर प्रिंट प्रीव्यू इज कंट्रोल के साथ फंक्शन की 2. कंट्रोल के साथ F2 या कंट्रोल के साथ फंक्शन की 2 इज द शॉर्टकट फॉर प्रिंट प्रीव्यू. पूछा जाता है प्रिंट प्रीव्यू से हमें फायदा क्या मिलता है. द ओनली बेनिफिट व्हिच वी गेट ऑन यूजिंग द प्रिंट प्रीव्यू इज कि वी आर able to view the actual format which is going to be printed on a document, hence saving the resource, hence saving the time, hence saving the what, the paper too. अब ये एक eco-friendly reason हो गया print preview करने का. तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं. close control plus w. सर ये shortcut तो गलत आ गया. control plus w close का सर alt plus f4 पड़ा था, अभी control plus w क्यों आ गया सर. अगर आप ये सोच रहे हैं तो सर लेट मी टेल यू, कहीं ना कहीं बेसिक्स वीक है. चलो, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड एग्जिट. अब ये भी समझ लो, जैसे सेव और सेव एज में अंतर होता है वैसे क्लोज और एग्जिट में भी फर्क होता है. जो शॉर्टकट लिखा है वो बिल्कुल सही है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और ऑल्ट प्लस F4 फॉर एग्जिट, ऑल्ट प्लस F4 फॉर एग्जिट. तो इस बात को समझो कि जब मुझे एग्जिस्टिंग फाइल को बंद करना होता है या एग्जिस्टिंग टैब को बंद करना होता है, देन आई मेक यूज ऑफ द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू. व्हेनेवर आई नीड टू क्लोज द एग्जिस्टिंग टैब और एन एग्जिस्टिंग फाइल, आई मेक यूज ऑफ द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू. एंड व्हेनेवर आई नीड टू एग्जिट अ प्रोग्राम और एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, आई मेक यूज ऑफ द शॉर्टकट ऑल्ट प्लस F4. एग्जिट और क्लोज दो अलग अलग चीजें हैं भाई, समझ लो. जब जब हम एक डॉक्यूमेंट से बाहर आना चाहते हैं या एक डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं, समझना इस बात को. व्हेनेवर आई नीड टू क्लोज एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो उस केस में जो आपका शॉर्टकट होगा वो होगा कंट्रोल प्लस W. क्यों? क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट को बंद कर देगा मगर दूसरा चलता रहेगा या एप्लीकेशन चलती रहेगी. मगर जब मुझे इस वर्ड वाली एप्लीकेशन को ही बंद करना है, देन आई विल मेक यूज ऑफ व्हाट, देन आई विल मेक यूज ऑफ ऑल्ट प्लस F4. तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, डिफरेंस है दोनों में. करंट फाइल को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W और एक प्रोग्राम को बंद करने के लिए, एप्लीकेशन को बंद करने के लिए ऑल्ट प्लस F4. बहुत जरूरी है यह बात समझना. बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या है. यहां पर देखिए, हम देख पा रहे हैं कि एग्जिट का शॉर्टकट दिया हुआ है ऑल्ट प्लस F4. ये है आपका एग्जिट, एग्जिट ऑल वर्ड फाइल, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं क्या, किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को बंद करने के लिए शॉर्टकट आपके सामने इस समय दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है. कट कॉपी पेस्ट. सर अब ये क्या मजाक है सर, ये तो बच्चे वाले शॉर्टकट है. हाँ सर, ये बच्चे वाले शॉर्टकट है, पूछे जा सकते हैं. किसका? कॉपी का, पेस्ट का? नहीं सर, कट का पूछा जा सकता है. कंट्रोल के साथ एक्स इज द शॉर्टकट फॉर कट. अब पेपर जब क्लर्क का है तो बेसिक्स ही आएंगे सर, मगर बेसिक्स में भी अगर वो डेप्थ में चले गए तो सर दिक्कत हो जाएगी. तो कट कॉपी पेस्ट मालूम होना चाहिए, सीसीपी का शॉर्टकट. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, पेस्ट का शॉर्टकट थोड़ा बढ़िया है, कंट्रोल प्लस V होता है पेस्ट का शॉर्टकट.
अच्छा मुझे बताओ एक बात बताओ, चलो थोड़ा ट्विस्ट दे देते हैं, क्वेश्चन हल्का था ये, थोड़ी बाउंसर दे देते हैं। मुझे ये बताओ उस जगह का नाम, उस वर्चुअल मेमोरी का नाम जहां पर कॉपी किया हुआ कंटेंट टेम्परेरी रूप से सेव होता है। नेम दैट वर्चुअल मेमोरी और व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वर्चुअल मेमोरी इन विच द कॉपीड कंटेंट और कॉपीड डेटा इज सेव्ड फॉर अ टेम्परेरी बेसिस और ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। बताओ मुझे क्या होगा वो जगह का नाम। बाउंसर, जगह का नाम मालूम होना चाहिए। चलो थोड़ा वक्त दे देते हैं आपको सोचने के लिए, याद करने के लिए। अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करेंगे इस वीडियो के एंड में हम बताएं, नहीं तो वो आपको होमवर्क में दे देंगे। क्या चाहिए होमवर्क में दें? चलिए वो डिसाइड करेंगे इस वीडियो के एंड में। आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट चेंज, देखो अब ये एक फीचर है ऑफ व्हाट, ऑफ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, दैट यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ फॉन्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर डिजायर और अकॉर्डिंग टू व्हाट यू विश टू कीप द फॉन्ट स्टाइल। देखो एरियल हो सकता है, एरियल ब्लैक होता है, बहुत से फॉन्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, टाइम्स न्यू रोमन होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है यहां पर जो आपके सामने है। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करते हैं वहां पर क्या आ जाता है, वहां पर लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल जो होते हैं वो आ जाते हैं। इन केस यू रिक्वायर अ फॉन्ट व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, यू कैन इवन ऐड द फॉन्ट, ये भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी ऐसे फॉन्ट का इस्तेमाल करना है जो उस समय अवेलेबल नहीं है तो अब क्या, अब क्या सर लाइसेंस लिया था एमएस वर्ड का, वो तो बेकार हो गया। हाँ नहीं, यू कैन इवन ऐड द फॉन्ट्स, आप चाहें तो नेट से डाउनलोड करके और इंटरनेट से डाउनलोड करके यू कैन इवन ऐड द फॉन्ट्स, और जैसे ही आप ऐड करेंगे वो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो करने लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट चेंज के लिए देखिए यहाँ पर एक मेन्यू खुल गया, कुछ इसी तरह का, इसी प्रकार का आता है। हमारे पास कैलिबरी है, वी हैव मंगल एज वेल, सुपरस्क्रिप्ट होती है, उसके बाद अगर देखें यहाँ पर तो एरियल ब्लैक आ गया जिसका जिक्र किया था हमने। बहुत से फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, और अगर आपसे कोई पूछता सर टोटल नंबर ऑफ फॉन्ट्स कितने हैं, तो सर मैम लेट मी टेल यू वन थिंग, कभी भी आंसर मत करना। फॉन्ट्स या टोटल नंबर ऑफ फॉन्ट्स वेरीज फ्रॉम वर्जन टू वर्जन, एंड जैसे मैंने बताया कि यू कैन इवन ऐड फॉन्ट्स, उस केस में वहां पर आंसर देना थोड़ा गलत हो जाएगा। चलो मैक्सिमम फॉन्ट साइज, सर ये भी गलत आ गया, 1638 सर मैक्सिमम फॉन्ट साइज, 72 देखा था, कहां के 72 देखें जरा। ये है सर, अगर आपका आंसर है कि सर द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इज 72, तो सर इसका मतलब यह है कि आपने काम किया हुआ है वर्ड पे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इज 72। वेरी ट्रू सर, द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ दैट फॉन्ट साइज इज 72, बिल्कुल सही है, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। मगर द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द एंटायर एमएस वर्ड, अगर पूरे एमएस वर्ड की बात करें, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू को छोड़ दें, अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू को कंसीडर करें, देन द फॉन्ट साइज अवेलेबल इज 1638। इट मींस कि आपको यह ड्रॉप डाउन में वो फॉन्ट साइज नहीं मिलने वाला जो आपके सामने लिखा है, यू हैव टू टाइप इन, आपको टाइप करना पड़ेगा फॉन्ट साइज, तब जाके आप इस फॉन्ट साइज को यूज कर पाएंगे। एंड कहां पर इसका इस्तेमाल होता है, जो रोड साइड फ्लेक्सेस या बैनर्स देखते हो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, काफी इस्तेमाल इसका भी किया जाता है, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक और चीज पूछी जाती है, पूछी जाता है कि जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें रेंज क्या होती है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये पीओ में भी आ चुके हैं और ये क्लर्क में आने की उम्मीद है, क्योंकि अब पीओ के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा लो क्वालिटी का हो गया है। चलो ये है वो रेंज, माफ करते फिर से लिखते हैं यहां पर कलर चेंज करके, रेंज है 8 से 72। दिस इज द रेंज विच इज अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू इफ यू कंसिडर द फॉन्ट साइज, ये बात को ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम वही है, वही है जो सामने लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग चीजें हैं। 8 से 72 तक, 8 से 72 तक इज द रेंज विच इज अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इज 1638। बहुत देर हो गई फॉन्ट साइज समझाते हुए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो शॉर्टकट्स देख लेते हैं हम। शॉर्टकट हमें कह रहा है फॉन्ट कंट्रोल डी, फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट और एफ, उसके बाद फॉन्ट को ग्रो करने का, या देखें तो वो ये है, एक पॉइंट से श्रिंक करने का कंट्रोल के साथ ओपनिंग ब्रैकेट, फॉन्ट नेक्स्ट या प्रीवियस करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट, और ये क्या है, और ये क्या है, ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करना है हमें। कहां गया, ओके दिस इज हियर, लेट्स चेंज इंक, इंक विजिबल नहीं है शायद आप लोगों को, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एंड लेस देन, आप इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट के लिए
और प्रीवियस के लिए, डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट करना चाहते हैं या फिर प्रीवियस पे जाना चाहते हैं। ओके, फॉन्ट साइज कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट एंड पी, कंट्रोल शिफ्ट एंड पी, कंट्रोल माइनस शिफ्ट माइनस पी नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट के साथ आप पी दबाएंगे। दिस इज द शॉर्टकट फॉर द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। ओके, बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन, देखो भाई वही बात आ गई कि बच्चों वाले शॉर्टकट से। हाँ सर, बोल्ड का कंट्रोल के साथ बी हो गया सर, इटैलिक्स का सर कंट्रोल के साथ आई हो जाएगा सर, अंडरलाइन का कंट्रोल के साथ यू हो जाएगा सर, सिंपल से शॉर्टकट से। ये सिंपल ही है, हो सकता है पूछे ना जाए, मगर फिर भी मुझे लग रहा है कि इटैलिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यार यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे हमें इसको चेंज करना है या कैसे हम यहाँ से शॉर्टकट के रूप में, शॉर्टकट मतलब ऊपर ही मौजूद है तो उसको शॉर्टकट कह सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, वो है आपका बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, चेंज केस। देखो क्वेश्चन कैसे बन चुके हैं और कैसे आने की उम्मीद है वो दोनों डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि एमएस वर्ड में कितने तरीके के केस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट जो नंबर ऑफ केसेस अवेलेबल हैं वो है 5। सेंटेंस केस है, अपर केस है, लोअर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस है और टॉगल केस है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जैसा लिखा हुआ है ठीक वैसा ही ये काम करता है। अगर देखें यहां पर तो हमारे पास लिखा है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में अगर आप देखेंगे तो अगर एक सेंटेंस है और सेंटेंस क्या होता है, पहला वर्ड और पहला फुल स्टॉप, पहले वर्ड से पहला फुल स्टॉप इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल सेंटेंस। तो उस केस में सेंटेंस का पहला वर्ड और उस पहले वर्ड का पहला लेटर या पहला कैरेक्टर इज कैपिटल। इस तरीके के फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं सेंटेंस केस। आगे बढ़े, अपर केस, जितना कुछ भी लिखा है सब कुछ कैप्स में, सब कुछ अपर केस में, तो वो आ गया आपका अपर केस। लोअर केस उसी के कॉन्ट्रेरी होता है, किसका, अपर केस का ही कॉन्ट्रेरी होता है आपका लोअर केस, उसी के अपोजिट काम करता है, सब कुछ छोटा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर लिखा हुआ है इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री तो उस केस में इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, उस केस में जितने भी आप यहां पर वर्ड्स देख रहे हैं उनका पहला लेटर और पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है टॉगल केस। टॉगल का मतलब होता है उल्टा कर देना। अब यहां पर उसी का उल्टा या उसी का कॉन्ट्ररी या उसी का अपोजिट हो जाएगा जो बाकी अवेलेबल है। मतलब कहने का, यहां पर अगर ये कैपिटल है तो आपका जो पहला कैरेक्टर होगा वर्ड का वो स्मॉल में आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर कितने तरीके के केस अवेलेबल है, 5 तरीके के केस अवेलेबल है, और सर टॉगल केस क्या करता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से वो कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। सर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के भी शॉर्टकट तो याद हुए ही नहीं, अब क्या करें, अब करें ये कि भाई अगर याद नहीं हुए हैं तो याद कर लें। सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है और सबस्क्रिप्ट क्या होती है एक बार देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं 2Q तो उस केस में जो आप ये 3 देख रहे हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सुपरस्क्रिप्ट। और अगर मैं लिखता हूं, एक एग्जाम्पल ले लें, सबसे बेसिक एग्जाम्पल H2O, इस केस में दिस 2 विल बी कंसिडर्ड एज अ सबस्क्रिप्ट। नाउ द शॉर्टकट फॉर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट याद कर लो, रट लो, बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछा जाता है। जस्ट मगड़ा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ प्लस का साइन। देखो यहां पर 2 प्लस है, 2 प्लस का मतलब यहां पर यह है कि ये जो बीच वाला प्लस है, दिस वन एंड दिस वन, क्या विजिबल है, शायद नहीं विजिबल है, इंक चेंज कर लेते हैं, समझो इस बात को। कंट्रोल के साथ शिफ्ट, शिफ्ट के साथ एक बार प्लस, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, और जो बीच में प्लस दिख रहा है वो प्लस का साइन है। दैट इज एक्चुअली वर्किंग एज एन कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। जिन्होंने याद, जिन्होंने पढ़ा होगा कंप्यूटर्स को या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उनका मालूम होगा कॉनकैटिनेशन का काम क्या होता है। कॉनकैटिनेशन का काम होता है आपस में लिंक कर देना विदाउट चेंजिंग द आउटपुट। तो यहां पर समझो कंट्रोल शिफ्ट और शिफ्ट के साथ एक बार प्लस का साइन इज द शॉर्टकट फॉर सुपरस्क्रिप्ट। एंड लेट्स चेक द शॉर्टकट फॉर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का क्या शॉर्टकट होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। शॉर्टकट फॉर सबस्क्रिप्ट इज कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू का साइन। कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू का साइन इज शॉर्टकट फॉर सबस्क्रिप्ट। और आपको एक एग्जांपल मैं बता चुका हूं, एक बार एग्जांपल फिर से देख लेते हैं। वही एग्जांपल जो मैंने बताया था आपको, H2O, 2 goes in the base, hence we can say कि 2 is actually
in a subscript format. आगे बढ़ते हैं, let's see what we have next. Okay, अब आता है सर वही बच्चे वाली चीजें, लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाइड. वही आया सर, सेंटर के मैंने पहले ही बताया था, कंट्रोल के साथ ई होने वाला है, कंट्रोल के साथ सी क्यों नहीं होगा हमें मालूम है, क्योंकि कंट्रोल के साथ सी होता है कॉपी का, तो इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं. ओके, एक चीज और जो आपने अभी पीछे देखे, इसको मैं काफी देर से बोला था, अलाइनमेंट्स है, अलाइनमेंट्स है, अलाइनमेंट्स है. क्या होते हैं अलाइनमेंट्स वो एक बार देख लेते हैं. अगर आप अपने कंटेंट को लेफ्ट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो दैट वुड बी कंसिडर एज एक्चुअली अ लेफ्ट अलाइनमेंट. अगर आप अपने कंटेंट को बीच में रखना चाहते हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सेंटर अलाइनमेंट और सेंटर अलाइंड टेक्स्ट. अगर आप उसको राइट में लेके जाते हैं तो वो आपका राइट अलाइन कहा जाएगा. और अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें सेंटर राइट और लेफ्ट तीनों तरीके से अलाइंड है तो वो होता है आपका जस्टिफाइड फॉर्मेट. एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स कि नॉवेल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, या कोई भी पब्लिकली पब्लिश्ड कंटेंट होता है, दैट इज एक्चुअली पब्लिश्ड इन अ रेगुलर जस्टिफाइड मैनर. तो इस बात को ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको शेयर किया है. ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. लाइन स्पेसिंग, नाम खुद ब खुद बता रहा, लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है दो लाइंस के बीच में स्पेस को घटाना या बढ़ाना. वी कैन एक्चुअली इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेस बिटवीन टू लाइंस. अक्सर हम लोग करते थे जब कंटेंट वगैरह सबमिट करना होता था तो हम कंटेंट ज्यादा दिखाने के लिए लाइन स्पेसिंग बढ़ा देते थे और फिर जाके सबमिट करते थे, तो दो पेज का कंटेंट जो होता था वो तीन पेजेस में कवर हो जाता था. ओके, सॉर्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है लॉजिकल अरेंजमेंट. कैन बी इन द मैनर ऑफ असेंडिंग वन, कैन बी इन द मैनर ऑफ डिसेंडिंग वन, और वी कैन इवन हैव द अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग. देखो, सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना. अब वो चाहे छोटे से बड़ा अरेंज कर ले नंबर्स को, चाहे बड़े से छोटा अरेंज कर ले. अगर अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एबीसीडी से भी अरेंज कर सकते हैं. तो सॉर्टिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट और ऑफ द डेटा अवेलेबल. तो सॉर्टिंग बहुत जरूरी है, असेंडिंग डिसेंडिंग एंड अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग आर अवेलेबल. ओके, यहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम सॉर्ट कर सकते हैं, मगर हाँ फिर वही बात कि ये क्लर्क का एग्जामिनेशन है तो वहां पर आपसे नहीं पूछा जाएगा किस प्रकार से सॉर्ट किया जाएगा. ओके, ये शॉर्टकट्स अब जरूरी है. नाउ दीज शॉर्टकट्स आर नेवर दी बच्चों वाला शॉर्टकट, इसको जरा पढ़ लेते हैं, बहुत जरूरी है. एंड यहां पर हमारे पास है फाइंड का, रिप्लेस का एंड गो टू का. देखो भाई, फाइंड का शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है. द इनिशियल लेटर ऑफ फाइंड मतलब एफ, कंट्रोल के साथ एफ करोगे तो वो आ जाएगा शॉर्टकट. जब बात करते हैं रिप्लेस का तो वो होता है कंट्रोल के साथ एच. सर कंट्रोल के साथ आर होना चाहिए, कंट्रोल के साथ आर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो राइट अलाइनमेंट में यूज हो रहा है, वो पहले ही बुक हो चुका है. चलो, कंट्रोल के साथ एच इज द शॉर्टकट फॉर रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट का फायदा क्या होता है, रिप्लेसमेंट का फायदा ये होता है कि अगर मुझे रिप्लेस करना है किसी भी कैरेक्टर को, से आई हैव टू रिप्लेस, एक एग्जांपल ले लें, अगर मुझे रिप्लेस करना है, अगर लिखा हुआ है यस और आई हैव टू रिप्लेस यस विद नो, मतलब एक डॉक्यूमेंट में 500 जगहों पर लिखा हुआ है यस, और जहां जहां यस लिखा है भाई मुझे वहां पर वहां वहां नो लिखना है, तो एक तो बहुत ही हार्ड वर्किंग मैनर है, क्या वो ये है कि जहां जहां लिखा हुआ है वहां वहां पहुंचो और डिलीट करो और नो लिखो, ये हार्ड वर्किंग है. अब स्मार्ट वर्किंग क्या है, यूज दी ऑप्शन अवेलेबल और यूज दी फैसिलिटी गिवन बाय दी एमएस वर्ड, क्या रिप्लेस करने वाली. अब रिप्लेस जब आप करेंगे तो आपको दो चीज चाहिए होंगी, किसको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है. तो जैसे ही आप रिप्लेस की विंडो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं रिप्लेस की विंडो, जब देखेंगे हम लोग तो रिप्लेस की विंडो में हमें देखने को मिलता है कि दो चीजें मांगी जाती है, द कंटेंट दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड एंड द कंटेंट व्हिच इज रिप्लेसिंग द रिप्लेस कंटेंट. अब समझो इस बात को, अगर हमें यस को रिप्लेस करना है नो से तो ऊपर लिखा जाएगा यस, एंड किससे रिप्लेस करना है नो से, तो हम नीचे वाले टेक्स्ट एरिया में लिखते हैं नो. एंड जैसे ही हम ओके करेंगे, जहां जहां पर यस लिखा होगा वहां वहां पे वो रिप्लेस हो जाएगा विद नो. कंट्रोल के साथ जी, कंट्रोल के साथ जी, या कंट्रोल के साथ अगर जी देखें तो वो गो टू का शॉर्टकट होता है. ये शॉर्टकट है किसी भी एक लाइन पर, किसी भी एक लाइन नंबर पर डायरेक्ट हिट करने का. इसको देख लेते हैं एक बार, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको. गो टू एनी वर्ड और कैरेक्टर और लाइन इन योर करेंट डॉक्यूमेंट. किसी भी लाइन को, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी वर्ड को हिट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ दी गो टू शॉर्टकट. पेज ब्रेक का शॉर्टकट बहुत जरूरी है. पेज ब्रेक की बात करें तो कंट्रोल के साथ एंटर इज यूज फॉर पेज ब्रेक. पेज ब्रेक होता क्या है ये भी समझ लो, आपके पेज को वो स्प्लिट कर देता है एक प्रकार से.
मगर किसमें? क्या टू इक्वल हाफ में? नहीं, जहां पर भी आप पेज ब्रेक इंसर्ट करते हैं वहां पर वो एक नेक्स्ट पेज पर आ जाता है, वहीं से वो एक नेक्स्ट पेज पर आ जाता है। तो सर वो तो एंटर दबा के भी कर सकते हैं, यस आप कर सकते हैं, मगर इन केस इफ यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द पेज इन विच यू हैव मूव टू द नेक्स्ट पेज यूजिंग द एंटर बटन, उस केस में वो फॉन्ट साइज बड़ा होकर नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएगा। मगर आप कंट्रोल ब्रेक अगर करते हैं तो उस केस में, इन केस ज्यादा केस की जरूरत है, उस केस में इफ यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द कंटेंट The font size will never jump over to the next page. ये फायदा होता है हमें control plus enter या page break करने से। Table हमें मालूम है, to insert a table is very easy. अगर word की बात करें तो हमारे पास एक window आ जाती है जहां पर हमें जितने rows या जितने columns का table चाहिए वो हम यहाँ से mark कर सकते हैं। And in case you require a table more than the rows and columns available in this window, आप चाहे तो अपना table भी insert कर सकते हैं using an insert table or draw table command. इस बात को समझें, बहुत आसान है एमएस वर्ड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीजें सीखनी बस पड़ती हैं आपको, और एक बार सीखने के बाद आप उसको प्रैक्टिस जरूर कर लें। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट शॉर्टकट फॉर दिस क्लास, हाइपरलिंक, और वो है कंट्रोल के साथ के। क्या होता है हाइपरलिंक? हाइपरलिंक का मतलब होता है वंस यू क्लिक ऑन एनी हाइपरलिंक अवेलेबल, इट एक्चुअली रीडायरेक्ट्स यू टू सम अदर कंटेंट, और वो सम अदर कंटेंट कैन बी अ वेब पेज, कैन बी अ वेबसाइट, कैन बी अ वेब पोर्टल, और कैन बी एनी अदर डॉक्यूमेंट, और कैन बी एनी अदर प्रेजेंटेशन, कुछ भी हो सकता है भाई। हाइपरलिंक का मतलब होता है टू कनेक्ट टू और मोर कंटेंट। अब हो सकता है वर्ड पे दिया हुआ हाइपरलिंक किसी एक्सेल फाइल से जुड़ा हो और जैसे क्लिक करते हैं वैसे वो एक्सेल फाइल खुल जाए। सीधी सी बात, क्लर्क एग्जामिनेशन, नो इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड। कंट्रोल के साथ के इज अ शॉर्टकट फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम होता है दो से या दो से ज्यादा कंटेंट्स को आपस में लिंक कर देना, और वो दो कंटेंट कुछ भी हो सकते हैं। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड द वीडियो सेशन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर द वीडियो, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अवेलेबल बिलो द वीडियो, एंड विद दिस योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।